फिल्म डी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे फिल्म के बारे में बात करनी है कि फिल्म को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है द यूज़ ऑफ़ फिल्म इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व यूटिलाइजिंग फिल्म एज अ टीचिंग टूल तो फिल्म को टीचिंग टूल के तौर पर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना ये बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग को इनहस कर सकती हैं फिल्म कैन प्रोवाइड लैंग्वेज लर्नर्स विद द रेंज ऑफ एथेंटिकंड कंसेपचुलाइज्ड इनपुट तो ये एथेंटिक और मसरूफ करने वाला एंगेजिंग और माहौल के मुताबिक जो है वो इनपुट्स फ्राहम करती है विच कैन एड दियर लैंगवेज कॉम्प्रीहेंशन ये बच्चों की लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में इजाफा कर सकती हैं वैकेबलरी डिवेलपमेंट में अहम किरदार अदा कर सकती हैं और ग्रामर के स्कल्स सिखाने में सिखा सकती हैं डेफ़िनेशन ऑफ फिल्म अगर आप देखें यहाँ आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है तो उसमें देखें कि ये क्या फ्राहम करती है फ़न है अनविंड है रिलैक्स है रियलिस्टिक है यूज़फुल है आइडियाज़ है एथेंटिक है तो ये नहीं इतने करेक्टिस्टिक्स हैं इसके एक्चुअली ये एक कुछ वक्त में एक फिल्माया गया मटेरियल है जिसको जो हम बच्चों को ख़ास पर्पज़ के तहत आप उनको सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्म कैन एक्सपोज लर्नर टू डिफरेंट एक्सेंट्स एंड डायलैक्ट्स वो मुख्तफ एक्सेंट्स और डायलैक्ट्स यानी लहजे और ज़बान के मुख्त जो डायलैक्ट्स हैं वो उनको और फिर कल्चरल जो टोन्खलिफ़ कल्चर के जो अंदाज हैं वो सब सिखा सकती हैं एंड वेरियस रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज तो लैंग्वेज के मुख्त स्टाइल्स ये सिखा सकती हैं विच कैन हेल्प दैम डिवेल्प देयर लिस्ंग एंड स्पीकिंग स्किल जो उनके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद दे सकती हैं अब हम उन एक्टिविटीज़ को देखते हैं जब हम फिल्म को देखने के लिए यानी फिल्म को यूज़ करने एज ए सोर्स के तौर पर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है तो सबसे पहले प्री व्यूइंग एक्टिविटीज़ और दीज एक्टिविटीज़ कैन हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द फिल्म बाय इंट्रोड्यूसिंग देम टू द थीम वैकेबलरी एंड कॉन्टेक्ट ऑफ द फिल्म तो बच्चों को इस सबसे पहले उसके बारे में बताया जाएगा कि इसका थीम क्या है वैकेबलरी उसमें क्या आएगी और उसका बैकग्राउंड क्या होगा प्री व्यूमिंग एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें शामिल हैं ब्रेन स्टार्मिंग कि बच्चों से पहले हम क्वेश्चन करेंगे ब्रेन स्टार्मिंग प्रडिक्टिंग उसके बारे में पेश कोई करेंगे डिस्कशन डिस्कशन उसमें और रिसर्चिंग रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखेंगे आप देखिए एक रवायती क्लासरूम से हट के ये होता है आपको पिक्चर में भी ये नज़र आ रहा है कि किस तरह टीचर और स्टूडेंट्स उसमें आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ड्राइंग व्यूइंग एक्टिविटीज़ व्यूइंग एक्टिविटीज़ के दौरान टीचर्स ने क्या करना है या स्टूडेंट्स को हमने कैसे उसके क्योंकि ये इस सारी एक्टिविटी को यूजफुल बनाना है असल पर्पज़ ये है तो दीज एक्टिविटीज़ कैन हेल्प स्टूडेंट्स स्टे फोकस्ड एंड एंगेज ड्यूरिंग द फिल्म बाई गिविंग दम स्पेसिफिक टास्क टू कम्प्लीट वाइल वॉचिंग जब आप फिल्म देख रहे हो तो उसको अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स की शक्ल में या इंडिविजुअली कुछ टास्क दिए हों जिनको उन्होंने मुकम्मल करना है सो ड्यूरिंग विंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड क्या है नोट टेकिंग बच्चे नोट लेंगे समराइज समराइजिंग करेंगे आइडेंटिफाई की थीम्स ऑफ आर करेक्टर्स तो उसके की थीम्स और करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे एनालाइजिंग द फिल्म यूज़ ऑफ लैंग्वेज और जो फिल्म में लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे अब पोस्ट रिव्यूइंग एक्टिविटीज़ क्या है कि दीज एक्टिविटीज़ कैन हेल्प स्टूडेंट्स रिफ़्लेक्ट ऑन फिल्म ये फ़िल्म देख ली उसके बाद क्या करना है तो वो बच्चों को की मदद किस तरह करती है टीचर की हेल्प से पोस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल है डिस्कशन वो उस पर डिस्कशन करेंगे डिबेट करेंगे और रोल प्लेइंग और वो भी कुछ सीन्स पर या कुछ चीज़ों पर वो रोल प्ले कर सकते हैं और राइटिंग एक्टिविटीज़ तो उस पर मसलन कुछ समरी लिखवाना उसका थीम लिखाना उसका खुलासा लिखवाना या मरकजी ख्याल उसका लिखवाना इस तरह की चीज़ें आ, हम पोस्ट व्यूइंग व्यूइंग एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं सो लैंगज फोकस्ड एक्टिविटीज क्या हैं दीज एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट्स डिवेल्प स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स एंड नॉलेज रिलेटेड टू फिल्म सो लैंग्वेज फोक्सड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड क्या है वैकेबलरी एक्सरसाइज़ जखीरा अल्फ की एक्सरसाइज़ ग्रामर एक्टिविटीज़ और प्रोनासी ड्रिल्स तो ये सारी प्रैक्टिसेस यानी ये चीज़ें आप फिल्म के ज़रिए आप फोकस करके बच्चों को सिखा सकते हैं फिल्म को बतौर सोर्स इस्तेमाल करते हुए कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या हैं दीज एक्टिविटीज़ कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म एंड द लैंग्वेज बींग यूज उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ uh, की जा रही है कोई इंग्लिश है या कोई उर्दू है या कोई और कौन सी भी लैंग्वेज है तो कल्चरल एक्टिविटीज़ ये देखें जो लैंग्वेज है कल्चर के इजहार का बहुत ही बड़ा सोर्स है बहुत ही बड़ा जरिया है तो रिसर्च रिसर्चिंग द कंट्री और द रीजन वे द फिल्म इज सेट तो उस कंट्री या उस रीजन के बारे में आ, सोचेंगे जैसे जहाँ ये फिल्म इस्तेमाल की जा रही है जहाँ उसको हमने सेलेक्ट किया है एक्सप्लोरिंग कल्चरल डिफरेंसेस उसमें हम देखेंगे कि कल्चरल डिफरेंसेस हमारे क्या हैं और उनके क्या हैं और कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस तो बच्चों को इस फिल्म के जरिए ये सिखाया जाएगा कि हमारे कल्चर में और उनमें हम कैसे उसका मुवजन करें और कंट्रास्ट करें वेन यूजिंग फिल्म फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो कब इस्तेमाल की जाए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फिल्म दैट आर रेलिवेंट टू द लैंग्वेज लेवल एंड इंटरेस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट के मुताबिक और लैंग्वेज लेवल के मुताबिक उसको सेलेक्ट करना चाहिए टीचर्स शुड प्रोवाइड स्केफोल्डिंग एंड स्पोर्ट फॉर स्टूडेंट्स टू हेल्प दैम अंडरस्टेंड द फिल्म तो फिल्मों को अंडरस्टैंड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को रूट करने के लिए ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप उसको तमीर करने के लिए बच्चों को उनको सिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे और एंगेज विद द लैंग्वेज बींग यूज और उस लैंग्वेज में हम उसको इंगेज करेंगे जो हम सिखाना चाहते हैं उन फिल्म के ज़रिए तो ये था कि किस तरह हम फिल्म्स को एज़ ए टूल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं